हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आज का इंग्लिश का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फॉर स्किल का पार्ट नंबर टू पार्ट वन हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं एक क्लास नंबर फाइव है बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस वीडियो का पी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फॉर स्किल के अंदर रीडिंग और राइटिंग कल हम लोग लिसनिंग और स्पीकिंग डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो का लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं आज हम लोग लैंग्वेज स्किल के अंदर डिस्कस करेंगे रीडिंग और राइटिंग कल हम लोग डिस्कस किए थे लिसनिंग और स्पीकिंग सबसे पहले रीडिंग स्किल डिस्कस करते हैं रीडिंग इज द थर्ड लैंग्वेज स्किल दैट वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज रीडिंग जो है थर्ड लैंग्वेज स्किल है जो कि हम लोग नेटिव लैंग्वेज में एक्वायर करते हैं इट इज़ एज रिसेप्टिव स्किल और रिटर्न स्किल और पैसिव स्किल बिकॉज इट रिक्वायर आज टू यूज आवर आइज एंड ब्रेन इसमें आँख और ब्रेन का यूज होता है टू कॉम्प्रिंड द रिटर्न लैंग्वेज रीडिंग इज ए फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज रीडिंग फोनेटिक है और ग्राफिक है दोनों है ठीक है रीडिंग कैन बी क्लासिफाई इन डिफरेंट टाइप्स रीडिंग का बहुत सारा टाइप है हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे सबसे पहला है साइलेंट रीडिंग फोकस ऑन कॉन्सेंट्रेशन इसमें फोकस कहाँ पे होता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग का टाइप है लाउड रीडिंग इसमें फोकस होता है प्रोनाउंसेशन के ऊपर स्पेशली बिगिनर के लिए या फिर चाइल्ड के लिए अच्छा होता है इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग का टाइप है इंटेंसिव रीडिंग द लर्नर्स फोकस ऑन एवरी वोकैबुलरी एंड ग्रामर टू अंडरस्टैंड यहाँ पे एक एक वर्ड पे एक एक ग्रामर वर्ड के ऊपर फोकस किया जाता है इट इंप्रूव्स रीडिंग स्किल इससे क्या होता है रीडिंग स्किल इंप्रूव होता है इट इंप्रूव्स एक्टिव वोक्यूलरी जो कि एक्टिव वोक्यूलरी यूज़ करते हैं रियल लाइफ में इससे जो है ये रीडिंग से इंप्रूव होता है इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग का टाइप है एक्सटेंसिव रीडिंग लर्नर्स रीड ईजिली इसके अंदर लर्नर्स जो है बहुत आसानी से पढ़ लेता है जैसे कि इंजोएबल जो बुक्स होता है उसको इससे रीडिंग का स्पीड बढ़ता है और फ्लुएंसी आता है लर्नर अटेंशन इज़ ऑन मीनिंग लर्नर का अटेंशन जो है मीनिंग के ऊपर होता है हर एक जो टेक्स्ट लिखा है उस पर नहीं होता है इससे जो है पेशी वोकुलटी जो है वो इंप्रूव होता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल है राइटिंग स्किल आइए राइटिंग स्किल के बारे में डिस्कस करते हैं इट इज़ द फोर्थ लैंग्वेज स्किल दैट वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज ए फोर्थ स्किल है जो कि हम लोग नेटिव लैंग्वेज में एक्वायर करते हैं इट इज़ नोन एज प्रोडक्टिव स्किल इसको प्रोडक्टिव स्किल कहा जाता है रिटर्न स्किल कहा जाता है एक्टिव स्किल कहा जाता है बिकॉज इट रिक्वायर्स आस टू यूज़ आवर हैंड्स एंड आवर ब्रेन टू करेक्टली प्रोड्यूस रिटन सिंपल इसमें हम लोग का हाथ का ब्रेन का यूज होता है इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड इसको कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्पीच साउंड का द स ऑफ राइटिंग प्रोसेस वुड बी सबसे पहले सेक्वेंस में सबसे पहले क्या आता है प्लानिंग आता है मॉनिटरिंग आता है और रिव्यूइंग आता है राइटिंग इज ए ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज राइटिंग क्या है ग्राफिक एक्स्पेक्ट है लैंग्वेज का इसके बाद नेक्स्ट हम लोग दो और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है स्कीमिंग और स्कैनिंग स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर रीडिंग टेक्निक स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या है एक रीडिंग टेक्निक है इससे क्या होता है इन्फॉर्मेशन को इजीली और क्विकली फाइंड आउट किया जाता है स्किमिंग इज रीडिंग ए टेक्स्ट क्विकली इसमें क्या होता है कोई भी टेक्स्ट जो लिखा होता है उसको बहुत ही फास्ट तरीका से पढ़ा जाता है एक जनरल थीम के लिए और नेक्स्ट स्कैनिंग के अंदर क्या होता है स्कैनिंग इज रीडिंग ए टैक्स क्विकली टू फाइंड ए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसमें एक निर्दिष्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए पढ़ा जाता है इसके अंदर भी क्विकली पढ़ा जाता है लेकिन इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफिक फाइंड आउट करने के लिए स्कैनिंग के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफिक तरीका से फाइंड आउट किया जाता है लेकिन स्केमिंग के अंदर क्या जनरल तरीका से फाइंड आउट किया जाता है इन्फॉर्मेशन को तो स्केमिंग के अंदर जनरल तरीका से फाइंड आउट किया जाता है और स्कैनिंग के अंदर स्पेसिफिक तरीका से फाइंड आउट किया जाता है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिव्यूइंग एंड प्रिडिक्टिंग प्रिव्यूइंग एंड प्रिडिक्टिंग क्या है प्री रीडिंग एक्टिविटी है प्रिव्यूइंग मीन्स गेट द बेसिक थीम ऑफ ए बुक बुक का बेसिक थीम लेना उसको कहा जाता है प्रिव्यूइंग और टॉपिक बाय व्यूइंग इस टाइटल टाइटल को देख के इमेज को देख के बुक का कवर को देख के प्रोडिक्शन मतलब गैस लगाना व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी स्टोरी के अंदर नेक्स्ट क्या होगा उसको गैस करना बाय रीडिंग द इनिशियल पैसेज ऑफ द स्टोरी इसके बाद नेक्स्ट है स्कीबिलिंग इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ राइटिंग राइटिंग का सबसे इनिशियल स्टेज को कहा जाता है स्कीबलिंग ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आ चुका है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट नीड टू ब्रेन स्टॉम आइडियाज ऑर्गेनाइज ड्राफ्ट इडिट एंड रिवाइज देर वर्कस इज द प्रोसेस हुई रिफ्लेक्ट तो ए यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके अंदर राइटिंग स्किल रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग फॉर कॉम्प्रिंसन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रो कॉम्प्रीहेंशन का रीडिंग जो है सबसे बेस्ट कैसे लाया जा सकता है टीचिंग लर्नर टू रन फिंगर नहीं आक्सिंग द चिल्ड्रन टू रीड टेक्स लाउड इससे भी नहीं लाया जा सकता है हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड सॉफ्टली इससे भी नहीं लाया जा सकता है लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एन आक्सिंग कॉम्प्रिहेंसन क्वेश्चन इस माध्यम से बेस्ट कॉम्प्रिहेंशन को अचीव किया जा सकता है इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल रीडिंग इज ए स्किल रीडिंग क्या है कॉन्स्ट्रक्टिव है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग स्टोरीज नॉबल कॉमिक्स एंड कार्टोन्स फैसिलिटेट इससे क्या होता है इससे इंटेंसिव रीडिंग फैसिलिटेट होता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विथ तो किससे जुड़ा हुआ है रीडिंग से तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ समराइजिंग करना नोट मेकिंग करना रिपोर्टिंग करना किससे जुड़ा हुआ है ए जुड़ा हुआ है राइटिंग से तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन ऑफ लिसनिंग स्किल कैन नॉट बी डन थ्रू किसके माध्यम से लिसनिंग स्किल का एवेसन नहीं किया जा सकता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वोकबिलरी इसके माध्यम से नहीं किया जा सकता है एबिलिटी टू रिकोगनाइज इंग्लिश स्पीच साउंड इससे किया जा सकता है एबिलिटी टू रीड द टेक्स्ट अलाउड इससे भी किया जा सकता है एबिलिटी टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम व्हाट ही सी हीयर इससे भी किया जा सकता है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिव रीडिंग प्रोजेक्ट फॉर असेसमेंट आर इसका सही आंसर है रीडिंग फॉर मीनिंग जो कि ऑप्शन नंबर फोर में दिया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंसिव रीडिंग इज इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका सही आंसर है रीडिंग द टेक्स फॉर प्लेजर तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है रीडिंग द टेक्स इन पार्ट फॉर डिटेल्स इसमें डिटेल में पढ़ा जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग में तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच